नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा में, फिर भी जिले का पढ़ा लिखा बेरोजगार रोजगार के लिए भटक रहा। NSUI ने 5 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर कार्यालय रीवा में ज्ञापन सौंपते हुए स्कॉलरशिप पोर्टल खोलने की मांग की। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा में, फिर भी जिले का पढ़ा लिखा बेरोजगार रोजगार के लिए भटक रहा। NSUI ने 5 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर कार्यालय रीवा में ज्ञापन सौंपते हुए स्कॉलरशिप पोर्टल खोलने की भी की मांग। हम आपको बता दें, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा जिले में है, फिर भी जिले का पढ़ा लिखा बेरोजगार रोजगार पाने के लिए भटक रहा है। NSUI ने 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन लेकर मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर कार्यालय रीवा में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। NSUI के ज्ञापन में 5 सूत्री प्रमुख मांगे थी। छात्र चाहते हैं सौर ऊर्जा संयंत्र में उन्हें रोजगार मिले, स्कॉलरशिप पोर्टल तत्काल खोला जाए, जो भी फैक्ट्रियां हैं उन्हें स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। ज्ञापन सौंपने के बाद हमने NSUI के जिम्मेदार से बात की। छात्र का साफ तौर से कहना, एशिया का सबसे बड़ा सौर यंत्र हमारे किस काम का, जब स्थानीय युवा बेरोजगारों को रोजगार ही ना मिले तो उसके होने न होने का जिले में कोई फर्क नहीं पड़ता। छात्र साफ तौर से कहते हैं, जिले में कारखानों की कमी है, जो कारखाने हैं अभी वह स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देते, जबकि जिले के सारे विधायक और सांसद सत्ता पक्ष के हैं, उन्हें तत्काल ध्यान देना चाहिए। वहीं छात्र स्कॉलरशिप फॉर्म को लेकर भी काफ़ी परेशान हैं। स्कॉलरशिप पोर्टल ही नहीं खुल रहा, छात्र चाहते हैं स्कॉलरशिप पोर्टल खोला जाए, जिससे कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी स्कॉलरशिप फॉर्म भर सके। आइए सुनाते हैं NSUI युवाओं के लिए जिले में क्या कुछ करना चाहती है। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के युवा साथी जो कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो कि पढ़ चुके हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट भी हो चुका है, वो छात्र युवा यहाँ के रोजगार के लिए भटक रहे हैं। जबकि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा जैसे शहर में है, उसके बाद भी यहाँ के स्थानीय युवा सबसे ज़्यादा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। यहाँ का ना प्रशासन कोई इस पर जवाब देने को तैयार है, ना यहाँ के 8-8 विधायक और ना सांसद, जबकि यहाँ पूरा भाजपा का कब्जा है। पूरे के पूरे 8 विधायक यहाँ भाजपा के हैं, 8 एक सांसद भाजपा का है, उसके बाद भी सोलर प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, कोई वैकेंसी नहीं निकली जा रही है, बाहर के लोगों को यहाँ लाकर रोजगार दिया जा रहा है, क्या स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता। मेरा माननीय विधायक जी से अनुरोध है, मैं हम लोग आज कमिश्नर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं और हम लोगों की मांग ये है कि सभी छात्र जो पढ़ लिख कर आगे पढ़ लिख चुके हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं, 10,000 की नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, उनको रोजगार दिया जाए यहाँ सोलर प्लांट में। एशिया का सबसे बड़ा यहाँ सोलर प्लांट है रीवा में, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन वहाँ रोजगार भी तो मिलना चाहिए स्थानीय लोगों को, हमारी मांगें ये थी। दूसरी मांग ये है कि जिस प्रकार से महंगाई लगातार बढ़ रही है, महंगाई पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, आम जनता का जीवन जो है नहीं जी पा रही, जो आम जनता है वो जीवन अच्छे से अपना जीवन नहीं व्यतीत कर पा रही महंगाई के कारण। पेट्रोल आज 110-115 रुपये है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। स्मृति ईरानी 120 रुपये पेट्रोल जब हुआ कर 70 रुपये हुआ करता था कांग्रेस सरकार में, तब सड़क में बैठ के चूड़िया फोड़ा करती थी, आज उनका रता पता नहीं है। भाजपा का कोई सांसद विधायक सामने बैठकर इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं। 2 महीने से कॉलेजों में स्कॉलरशिप का पोर्टल बंद है, कोई भी प्रशासन या कि कोई भी मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में कोई भी उस शिक्षा के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। पोर्टल कब खुलेगा किसी से पूछो तो बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने बंद किया है।
जो नॉर्मल सामान्य परिवार से पढ़ रहा है, परीक्षा फीस नहीं जमा कर पा रहा है, वो छात्र परेशान है कि अगले उसमें एडमिशन कैसे लेंगे जब स्कॉलरशिप नहीं आई। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम लोगों ने कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया है। हम लोगों की मांगें जल्द से जल्द पूरी की जाएं, अन्यथा हम लोग बड़े स्तर पर भी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और अगला कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे। नाम पंकज उपाध्याय, TRS कॉलेज के अनुसूचित अध्यक्ष हूँ। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।